ऐसा था कि जो हमारे बाप दादा थे ना, उन्होंने सबने एक स्क्रिप्टेड जिंदगी जी है, समझ गए ना, इससे नफरत करो, ऐसे पले बड़े करो, अपनी पढ़ाई करो, ये लिखाई करो, ऐसे जियो। और ये स्क्रिप्टेड जिंदगी उन्हें तरीके से जीनी सिखाई अंग्रेजों ने, क्योंकि गोरे को उनके मन का चोर पता चल गया था, एक कीटाणु इसके अंदर थे, तो गोरे ने गर्दन से पकड़ लिया और फिर जैसे नचाता था वो नाचते थे। मतलब हालत ये है कि जो 47 में कुछ दफन हो गए, जिन्होंने भुगता था, कुछ गंगा जी में बह गए, उसकी नफरत की लेगेसी हम आज भी पालते हैं और तरीके से पालते हैं, क्योंकि हमारे अंदर मन का चोर है। सो लेट्स ब्रेक द बियर्ड, इससे बाहर आते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो टू स्टार्ट विद एक शेर है, मैं पहले भी यहां पे एक बार बता चुका हूं कि ना मौलवी ना पादरी ना पुजारी से आस है, ना मौलवी ना पादरी ना पुजारी से आस है, दादरी ने महसूस किया रक्त रंजित इतिहास है। वजूद मेरे वतन का, वजूद मेरे वतन का उसी दिन सिमट गया जब मेरे मन का चोर गोरे को मिल गया। वजूद की लड़ाई में जो खींची थी सरहद, दरिंदगी की मिसालों में लाशों का था पर्वत। 57 में थे मंगल पांडे और थी रानी लक्ष्मीबाई, अंजाम तक पहुंचते पहुंचते मंगल भगत सिंह से अश्वाक तक सबने जान गवाई। मेरे दिल का चोर मन का मोर बन गया, मेरे मुल्क के टुकड़े तीन कर गया, बांग्लादेश भी बना था 71 में। सिया हमने जख्मों को सरहद पर बांध लगाई, मेरे मन के चोर ने फिर आवाज लगाई, कश्मीर उजड़ा आधा पिछड़ा, पंडितों ने फिर वजूद की जान गवाई। थैंक यू। 84 ने अन्नदाता को फांसा, दिल्ली ने दिल से आग लगाई। मन के चोर ने मजहबी दंगल को नया पाठ पढ़ाया, जात बिरादरी की आग में आरक्षण का कपूर जलाया। हक जिनको मिलना था, हक जिनको मिलना था, वो आज भी घास खा रहे हैं। जिनके पास थाल थी चांदी की, वो मेरे वतन का मखौल उड़ा रहे हैं। थैंक यू, शुक्रिया। जब आदिवासी की बड़ी उदासी, मेरे मन के चोर ने दी नक्सलवाद की फांसी। ना हक मिला, ना हक मिला, मगर उजड़ा घरौंदा, अनसुलझी सी पहेली ने नस्लों को रौंदा। हुक्मरानों को सरकार की दरकार है, इनको सरकार को बस पावर चाहिए होती है। मेरे मन का चोर, इनका मीत मेरे लिए हार है। 91 में जब ये हमारा ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ था, 91 में वतन ने व्यापार का अलख जगाया, मेरे मन के चोर ने मुझे 92 में झुलसाया। थैंक यू। जब वतन संभल कर ऊंचाई चाह रहा था, मेरे मन के चोर को 2002 लुभा रहा था। ना भूख की फांस चुभती है, ना चीखती गरीबी दिखती है, बेरोजगारी जब जहर उगलती है तो मालदा और मुजफ्फरनगर क्रांति लगती है। थैंक यू। बाबरी से दादरी तक मेरे चोर ने निरंतर उत्पात मचाया, कभी राष्ट्रीयता, कभी धर्म, तो कभी मजहब का चोला उड़ाया। कुछ मुजाहिद हुए, कुछ बने रक्षक, भक्षक तो आज भी आजाद हैं। मेरे मन की चोर की माने तो हम सिर्फ वोट बैंक की बुनियाद हैं। ये बैंक हम ही से उपजा है, हम ही को मिटाएगा,
सरकारी बंगलों में नए नवेले बाबू बिठाएगा। मेरा मन का चोर अपनी नफरत के साथ एक दिन सिधार जाएगा। सरकारी दास्तानें किताबों में होंगी, तुम्हारा और मेरा फसाना मानो सिफर रह जाएगा। प्रवासी जो हो गए NRI लोग हैं, जो कुछ कुछ होता है वाले गानों पे डांस करते हैं, प्रवासी जो हो गए वो सुकून से तराने वतन के गा रहे हैं। यहां तो इज्जत की रोटी को लोग फसाना बता रहे हैं। ये मन का चोर जो गोरे ने बोया था, अब हुक्मरानों ने काटा है। कहता विकास है पर लहू बहाता है। थैंक यू। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में हम भाई भाई। किताबों से निकली ये पंक्ति अब दे रही है दुहाई। चाहिए अब शासन की अगुवाई और शासकों से रिहाई। विकासशील से विकसित देश तक की मेहंदी जो है रचाई, विकासशील से विकसित देश तक की मेहंदी जो है रचाई, तो बंधु इस मन के चोर की निश्चित करो विदाई। थैंक यू।